हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल मैथ्स। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, यह है डिफरेंशिएशन का बेसिक जो हम फार्मूला देखेंगे दोस्तों, और कैसे अप्लाई होता है उसका एग्जांपल भी देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो dy/dx को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? dy/dx को बोलते हैं डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस जो dy/dx है दोस्तों, उसको हम लोग नाम जानते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जहां इसका शॉर्ट फॉर्म हम लिख सकते हैं दोस्तों wr2x भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है दोस्तों, तो इस जब dy/dx को हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका एक और नाम होता है दोस्तों, जिसको हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट। और इसका एक और नाम होता है दोस्तों, जिसको डेरिवेटिव भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका तीन नाम से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। पहले तो बोलेगा कि या तो डिफरेंशिएशन निकालें या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालें या डेरिवेटिव निकालें, तीनों का मतलब ही सेम ही होता है दोस्तों। तो इसका जो बेसिक फार्मूला होता है दोस्तों, वो देखते हैं कौन कौन फार्मूला होता है दोस्तों। तो जो सबसे फर्स्ट जो फार्मूला होता है दोस्तों, होता है dx^n/dx। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा दोस्तों? एन बाहर हो जाएगा दोस्तों, और इसमें से एक पावर घटा लिया जाता है दोस्तों, n-1। यानी कि इसका जो फार्मूला होगा दोस्तों क्या होगा? dx^n/dx इज इक्वल टू एन इंटू x^n-1, जहाँ एन बराबर क्या क्या हो सकता है दोस्तों पावर में? एक पावर हो सकता है, दो पावर हो सकता है, तीन पावर हो सकता है, चार पावर हो सकता है, पाँच पावर हो सकता है, इसी तरीका से आगे जारी रहेगा दोस्तों। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपसे डिफरेंशिएशन पूछ दिया जाए कि डिफरेंशिएशन 12x^12 को आप बताइए दोस्तों, तो क्या करेंगे दोस्तों? जो n है उसको हम बाहर कर देंगे और उसमें से एक पावर घटा लिया जाता है, यानी कि 12-1 कर दिया जाता है दोस्तों। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 12x^11 आता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा x^12 का जो ए आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों इसी पे। जैसे एक एग्जांपल और, x^100 एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो 100 जो है, जो पहले तो बाहर करेंगे दोस्तों और उसमें से 100 में से एक पावर को घटा देंगे, तो जो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 100 और x^ क्या हो जाएगा? 99। ठीक है दोस्तों, इसका जो आंसर आ गया x^100 का। ठीक है दोस्तों, इसका दूसरा नंबर जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है dy/dx। जो इसका फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा और 1/x² होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरा नंबर फार्मूला इसका होगा दोस्तों, तीसरा नंबर जो फार्मूला होता है क्या? अगर dy/x अगर n पूछेगा दोस्तों dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका हो जाएगा दोस्तों n जो हो जाएगा, n हो जाएगा ऊपर और इसके साथ माइनस लग जाएगा दोस्तों, और बट्टा में क्या हो जाएगा? x^n+1 होता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला फार्मूला क्या होगा दोस्तों? जो देखिए, अगर डिफरेंशिएशन अगर a^x का अगर पूछेगा दोस्तों कि डिफरेंशिएशन बताइए, तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन a^x इंटू log a और बेस में e रहता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों? नेक्स्ट फार्मूला हो जाएगा क्या कि अगर डिफरेंशिएशन a^-x का अगर पूछेगा दोस्तों, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाता है क्या? माइनस और बाहर हो जाएगा, और a^-x इंटू यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों? log a और बेस में e रहता है दोस्तों। ठीक है, सिक्स नंबर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ e^x का अगर पूछेगा डिफरेंशिएशन, तो इसका सेम ही रहता है दोस्तों, e^x ही रहता है। अगर डिफरेंशिएशन
सेवन नंबर फॉर्मूला है दोस्तों। अगर डिफ्रेंशिएशन ई का पावर माइनस एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका भी सेम रहता है, सिर्फ माइनस बाहर हो जाएगा दोस्तों और ई का पावर माइनस एक्स ही रह जाता है। ठीक है दोस्तों, एट नंबर फार्मूला देखिएगा दोस्तों। अगर डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट एक्स का अगर पूछेगा तो इसका हो जाएगा वन वाई अंडर रूट एक्स और आगे में हो जाएगा कॉन्स्टेंट टू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका हम पढ़ सकते हैं क्या, डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट एक्स का हो जाएगा वन वाई टू रूट एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, नाइन नंबर फार्मूला देखिएगा दोस्तों क्या होगा। अगर लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछ दिया जाए, यहाँ पे बेस में ई रहता है दोस्तों, आप दे सकते हैं भी या नहीं, ए ई रहता है बेस में। ठीक है दोस्तों, तो इसका लॉग का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा दोस्तों वन वाई एक्स होगा। ठीक है, नाइन नंबर फार्मूला देखिएगा, ओ सॉरी टेन नंबर फार्मूला देखिएगा दोस्तों। अगर डिफ्रेंशिएशन एक्स डी एक्स बटा अगर डी एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका हमेशा वन वैल्यू आता है। ठीक है दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, कॉस एक्स होता है। ठीक है दोस्तों, अगर अगर डिफ्रेंशिएशन, ये तो 12 नंबर हो गया फार्मूला दोस्तों। 13 नंबर फार्मूला देखिए, अगर डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स का पूछेगा दोस्तों डिफ्रेंशिएशन, तो इसका हो जाएगा क्या दोस्तों, माइनस साइन एक्स। ठीक है दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन टैन एक्स का अगर पूछेगा डिफ्रेंशिएशन दोस्तों, तो टैन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स इसका होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फार्मूला देखिएगा दोस्तों। अगर डिफ्रेंशिएशन कॉट एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है दोस्तों, पंद्रह नंबर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों क्या, अगर डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा क्या, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। सिक्सटीन नंबर फार्मूला दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन कॉसेक एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है दोस्तों। ठीक है, सत्रह नंबर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा क्या, वन वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। एट्टीन नंबर फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा क्या, माइनस वन वाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। उन्नीस नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन टेन इनवर्स एक्स का अगर पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा क्या, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। बीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, बीस नंबर फार्मूला देखिएगा दोस्तों। अगर डिफ्रेंशिएशन कॉट इनवर्स एक्स का अगर डिफ्रेंशिएशन पूछेगा दोस्तों तो इसका हो जाएगा क्या, माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इक्कीस नंबर फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन सेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों वन वाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है दोस्तों, और एक तेईस नंबर जो फार्मूला है दोस्तों वो हो जाएगा क्या, डिफ्रेंशिएशन कॉसेक इनवर्स एक्स बटा डी एक्स इज इक्वल टू, इसका फार्मूला हो जाता है माइनस वन वाई एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसका ये तो तेईस फार्मूला हो गया दोस्तों, अब इसका कुछ जो प्रॉपर्टीज है, इसका कुछ प्रॉपर्टीज है वो देख लेते हैं दोस्तों, कौन कौन प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज तो सबसे फास्ट जो प्रॉपर्टीज है दोस्तों, अगर कॉन्स्टेंट का डिफिनिशिएशन पूछेगा दोस्तों तो कॉन्स्टेंट का डिफिनिशिएशन हमेशा जीरो होता है दोस्तों।
ठीक है, आपसे कोई पूछ दिया था कि कोस्टेंट का डिफिनिशिएशन क्या होता है, तो उसका होता है जीरो दोस्तों। और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों कि कोस्टेंट का डिफिनिशिएशन क्या होता है, एक नंबर में आपसे पूछ दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सी क्या है दोस्तों, कोस्टेंट है, कोस्टेंट है, EN है दोस्तों, कोस्टेंट है। ठीक है, कोस्टेंट इसी की जगह पे ए भी रह सकता है दोस्तों, बी भी रह सकता है, सी भी रह सकता है, डी भी रह सकता है, आगे भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर डिफ्रेंशिएशन एक कॉन्स्टेंट और एक वेरिएबल का अगर डिफिनिशिएशन पूछ दिया जाए दोस्तों, तो क्या होगा, कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा और वेरिएबल का डिफिनिशिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा प्रॉपर्टीज था दोस्तों। एक थर्ड प्रॉपर्टी, अगर दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर डिफिनिशिएशन पूछेगा दोस्तों, तो इसका अलग अलग लगा देंगे, डी यू बट्टा डी एक्स प्लस माइनस डी वी बट्टा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, ये दो फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि अगर डिफिनिशिएशन यू इंटू वी का दो फंक्शन, दो मल्टीपल फंक्शन का डिफिनिशिएशन पूछेगा दोस्तों, तो एक बाहर होगा और दूसरे का डिफिनिशिएशन होगा दोस्तों। ठीक है, अभी भी बाहर होगा और डी यू बटा डी एक्स का डिफिनिशिएशन होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है दोस्तों कि अगर तीन फंक्शन का अगर मल्टीपल डिफिनिशिएशन पूछेगा दोस्तों, तीन फंक्शन का मल्टीपल डिफिनिशिएशन पूछेगा, तो हमेशा हर बार दो फंक्शन का बाहर करना है और तीसरे को डिफिनिशिएशन, और जिसको आप डिफिनिशिएशन कर दिए दोस्तों उसको डिफिनिशिएशन नहीं करना है, जिसको नहीं किए हैं उसको आप कर सकते हैं। तो फिर डी वी बटा डी एक्स हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर वी और डब्ल्यू बाहर हो जाएगा और यू का डिफिनिशिएशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक प्रॉपर्टीज और है दोस्तों फ्रैक्शन में, जिसको हम भिन्न में बोलते हैं दोस्तों, अगर डिफिनिशिएशन यू वाई भी का अगर डिफिनिशिएशन पूछेगा दोस्तों, तो जो इसका डिफिनिशिएशन हो जाएगा क्या होगा, भी डिवाइड में रहेगा दोस्तों और एक भी बाहर होगा, डिफिनिशिएशन यू का लगेगा। ठीक है दोस्तों, अभी फिर माइनस, और अभी यू का डिफिनिशिएशन किए हैं दोस्तों, तो यू का बाहर करेंगे और डी वी बटा डी एक्स का डिफिनिशिएशन हम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट जो प्रॉपर्टीज होते हैं दोस्तों, अगर बहुत सारे वेरिएबल दे दिए जाए, प्लस माइनस भी, प्लस माइनस डब्ल्यू, प्लस माइनस पी, और इसी तरीके से प्लस माइनस आगे आते रहेगा दोस्तों, तो इसका जब डिफिनिशिएशन करेंगे दोस्तों, इसका हम डिफिनिशिएशन करेंगे अलग अलग करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसका जब डिफिनिशिएशन हम करेंगे तो अलग अलग करेंगे, जैसे अगर हम उसका ही लिखेंगे दोस्तों, तो डी यू बटा डी एक्स प्लस माइनस डी वी बटा डी एक्स प्लस माइनस डी डब्ल्यू बटा डी एक्स प्लस माइनस डॉट डॉट आगे आते रहेंगे। ये था इसका बेसिक प्रॉपर्टीज और फार्मूला था दोस्तों, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है दोस्तों, नहीं तो आप इसको याद कर लीजिए, ताकि जब आपको चैप्टर में जब हम बताएंगे तो आपको फार्मूला याद रहेगा दोस्तों, तो बहुत आनंद आएगा बनाने में दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो 22-23 फार्मूला है दोस्तों और 6-7 प्रॉपर्टीज है दोस्तों, आप याद कर लें प्लीज़। अगर आप याद कर लेते दोस्तों, तो बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा, हर एक चैप्टर में आपको बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों। ठीक है, और इसी के रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, अगर आपको वाई बराबर दे दिया जाए दोस्तों, कि अगर लॉग एक्स प्लस एक्स का पावर 12 प्लस प्लस साइन एक्स आपको दे दिया जाए, और फिर बोल दिया जाए कि फाइंड करें कि डी वाई वाई डी एक्स। ठीक है दोस्तों, फाइंड करने कर रहा है, कॉल कर रहा है डी वाई वाई डी एक्स, तो जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे दोस्तों, तो इसका सोल्यूशन हम चाहे तो इसका हमें इसको लिख भी सकते हैं दोस्तों, कि ये डिफरेंटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आपको बहुत अच्छे से मार्क्स लाने में आपको मदद करेगा दोस्तों, हर क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं दोस्तों, और नहीं तो फिर ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको लिख देना तो बहुत ज़्यादा आपको बढ़िया मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका जब डिफिनिशिएशन करेंगे, तो एक बार पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे दोस्तों, लॉग एक्स प्लस एक्स का पावर 12 प्लस साइन एक्स है दोस्तों, इसका डिफिनिशिएशन हमको करना है। तो अलग अलग हम अपने बताए थे दोस्तों पीछे में, कि अगर बहुत सारे फंक्शन रहेगा तो इसको हम अलग अलग करेंगे, तो इसका हम अलग अलग डिफिनिशिएशन लगाते हैं, लॉग एक्स बटा डी एक्स प्लस डी एक्स का पावर 12 बटा डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बटा डी एक्स।
अब इसका जो हम इसका आंसर अब बस कैलकुलेट कर देना दोस्तों। तो आपको हम बताए थे अभी थोड़ा देर पहले दोस्तों कि लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, वन वाई एक्स होता है। अगर अगर साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, वो होता है कॉस एक्स होता है। अगर अभी इस वाले प्रॉपर्टी जो हम बताए थे दोस्तों कि डी एक्स का पावर एन बटा डी एक्स रहेगा दोस्तों, तो क्या करना है, एन बाहर कर देना है और इस एन में से एक पावर घटा देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वन है वो लाइन पर आ गया उस पर। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा, वन वाई एक्स प्लस 12 को बाहर कर देंगे दोस्तों और एक पावर घटा देंगे तो एक्स का पावर 11 बचेगा। ठीक है दोस्तों, प्लस और साइन का डिफिनेशन कॉस एक्स, यही आपको फाइंड करने के लिए कह रहा था दोस्तों। ठीक है, यही आपको फाइंड करने के लिए बोल रहा था। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों, जैसे वाई बराबर ई का पावर एक्स प्लस ए का पावर एक्स, ठीक है दोस्तों, प्लस कॉस एक्स। जब इसका डिफिनिशिएशन करेंगे दोस्तों तो डी वाई वाई डी एक्स, इस चीज़ को लिख भी सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका डिफिनिशिएशन लगाएंगे ई का पावर एक्स प्लस ए का पावर एक्स प्लस कॉस एक्स बटा डी एक्स। अब इसका अलग अलग डिफिनिशिएशन लगाएंगे दोस्तों, तो डी वाई डी ई का पावर एक्स बटा डी एक्स प्लस डी ए का पावर एक्स बटा डी एक्स प्लस डी कॉस एक्स बटा डी एक्स। ठीक है दोस्तों, तो ई का पावर का आंसर ई का पावर ए ई होता है दोस्तों। अगर ए का पावर एक्स है दोस्तों तो ए का पावर वैसे रह देंगे दोस्तों और इसका हो जाएगा क्या, लॉग ए और बेस में ई, और साइन का होता है सॉरी कॉस का होता है क्या दोस्तों, माइनस साइन एक्स फार्मूला होता है, तो इसका माइनस साइन एक्स। तो बस इसका अरेंज करके लिख देंगे दोस्तों, ई का पावर एक्स प्लस ए का पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस में ई, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन एक्स हो जाएगा इसका, डी वाई वाई डी एक्स आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं रोकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।